जब मन में लगन हो और दिल में कुछ कर गुजरने की चाहत हो, तब कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता। होती है तो बस सपनों की उड़ान, और इसे चरितार्थ कर दिखाया है एक्टर, कॉमेडियन और एक्टर सोहित विजय सोनी ने, जो आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है और निरंतर कामयाबी के पथ पर अग्रसर है। स्वभाव से जिंदा दिल सोहित विजय सोनी का जन्म यूपी के एक छोटे से कस्बे में हुआ था। बाद में सोहित का परिवार फरीदाबाद आ गया, जहां इनका दाखिला स्कूल में करवाया गया। सोहित बेहद गरीब परिवार से हैं, लेकिन सोहित की मां के सपने अपने बेटे के लिए बड़े थे। वे उन्हें डॉक्टर बनाना चाहती थी। सो उस वक्त पढ़ाई के अलावा उनकी मां ने सोहित को भारत कॉलोनी में क्लिनिक में कंपाउंडर की नौकरी पर लगा दिया। यहां इन्हें दिहाड़ी में मिलते थे सिर्फ 200 रुपए, जिससे सोहित के घर का खर्चा चलता था। लेकिन सोहित को तो छूना था आसमान। रास्ते कठिन थे, लेकिन चाहत थी स्टार बनने की, और इनकी इसी चाहत ने इनके अंदर के कलाकार को जगा दिया। फिर क्या था, शुरू हो गई क्लिनिक में ही कॉमेडी की पाठशाला। सोहित रोज अपनी प्रैक्टिस क्लिनिक में ही करने लगे, और एक दिन वो भी आया जिसका सोहित को बेसब्री से इंतजार था। गुड़गांव से सोहित की शुरुआत हो गई। इसके बाद सोहित ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, शादी और पार्टीज में छोटे छोटे प्रोग्राम करने लगे। इनसे 1000 और 1500 की ही कमाई हो पाती थी, लेकिन मन में खुशी रहती कि अपने सपने की ओर अग्रसर है, और यूं ही सफर चलता रहा। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए काम करने का मौका मिला। सोहित को ऊंचाई मिली और सोहित पहुंच गए माया नगरी। लेकिन रास्ते कठिन थे, न रहने के लिए घर और न खाने को पैसे। तब साईं मंदिर में शरण ली और यहीं रहकर ऑडिशन दिया करते थे। मेहनत रंग लाई। 2016 में तू मेरा हीरो से इन्हें ब्रेक मिल गया। इसके बाद भाभी जी के घर तक पहुंच गए। सोहित अब तक टेलीविजन पर प्रसारित भाभी जी घर पर है में अलग अलग करीब 70 भूमिकाएं कर चुके हैं। इसके अलावा सब टीवी पर आने वाले धारावाहिक तेनाली रामा में सोहित मनी की भूमिका में नजर आ रहे हैं। ये धारावाहिक 11 जुलाई 2017 से प्रसारित किया जा रहा है। सोहित इस धारावाहिक में 300 से ज्यादा कड़ियों में नजर आ चुके हैं। मनी की भूमिका में सोहित गुरु के पीछे हमेशा बुराई करते नजर आते हैं। सोहित तेनाली रामा में लगातार पंकज बेरी के साथ काम कर रहे हैं। दरअसल नाटक मंचन के सिलसिले में दिसंबर 2015 में मुंबई गए थे सोहित। वहां उनकी मुलाकात निर्देशक शशांक बाली से हुई थी। शशांक बाली ने उनकी प्रतिभा को देखते हुए भाभी जी घर पर है में काम करने का मौका दिया। पहली बार इस धारावाहिक में सोहित को एंकर की भूमिका में काम करने का मौका मिला। मई 2016 में प्रसारित भाभी जी घर पर है में वो पहली बार नजर आए थे। इसके बाद सोहित कई कड़ियों में लगातार अलग अलग भूमिकाएं अदा करते रहे हैं। तो दोस्तों, आपके भी हैं सपने, तो लगाइए संघर्ष के पंख और भर लीजिए सपनों की उड़ान। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए शशिप्रिया सिंह की रिपोर्ट।